जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह गहलोत राजस्थान से कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की साइकिल यात्रा। अभी मैं सांचौर से 17 किलोमीटर आगे हूँ, बाड़मेर की तरफ जा रहा हूँ। और रात को मेरा रात्रि विश्राम यहीं बाहर चारपाई पे हुआ था और सूर्य महाराज भी निकल चुके हैं। और अब यहाँ पे हमारी नानी की व्यवस्था उधर है, बस नहाएंगे और हमारी साइकिल उधर खड़ी है। और आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से हम पहनने वाले हैं धोती कुर्ता। अभी आपको हमारे लोअर टी शर्ट दिख रहे हैं, आज के बाद आपको दिखेंगे धोती कुर्ता और साफ। जुड़े रहे इस पल को देखने के लिए, हर हर आगे। तो दोस्तों निकल चुके हैं राजस्थान की सड़कों पे सांचौर से बाड़मेर की तरफ। और धोती कुर्ता सबका पहनना है तो उसमें अलग ही लग रहे हैं भाई, है ना। तो चलते हैं अपने राजस्थान की संस्कृति आन बान शान को पहन के, और पूरे देश में इस चीज़ का एक मैसेज देंगे कि हम धोती कुर्ते साफे के साथ पूरे साइकिल यात्रा करिए पूरे भारत की। एक अपने लिए भी गर्व का पल रहेगा और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो दोस्तों हमारी इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े और हमें सपोर्ट करें। आपका एक फॉलो हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ताकत देता है। तो चलिए आप हमारे साथ, अब आपको पूरा राजस्थान दिखाते हैं, हर हर महादेव। तो दोस्तों फलोदी यहाँ से 400 किलोमीटर है, बाड़मेर 104 और जैसलमेर 257। और भाई राजस्थान में भेड़ बकरी और गाय बहुत ज़्यादा चराते हैं, तो ये भी एक हमारा कल्चर है यहाँ का। राम राम जी, किसान हो, बढ़िया हो, चलो। और वो सामने से एक हाईवे जा रहा है, वो हाईवे देखते हैं किधर जाता है। अगर हाईवे अगर बाड़मेर जा रहा हो तो उस हाईवे पे चढ़ा देंगे एक्सट्रक्चर पे। अब तो हमने बनाने खाने का सामान ले लिया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, हम कहीं भी रुक सकते हैं अब तो। तो एक बार पास चल के देखते हैं उसको और फिर पता लग जाएगा कौन सा हाईवे किधर जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी लग रही है ये ड्रेस, बिल्कुल हल्की हल्की गर्मी भी नहीं लग रही है इतनी इसमें, और हवा भी लग रही है। पर हमारी राजस्थान की आन बान शान, माई ड्रीम कार थार। पर भाई अपन ब्लैक कलर की लेंगे। तो चलिए दोस्तों जुड़े रहे आप हमारे साथ, बाड़मेर की तरफ तेज गति से बढ़ते हैं हम, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और भाई भूख भी थोड़ी ज़्यादा लगी। तो श्री रामदेव होटल रेस्टोरेंट है, शुद्ध शाकाहारी, धर्माराम चौधरी जी का। और यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी है और आज अपनी साइकिल में आप एक चेंजमेंट देख रहे होंगे। हमने अपना भारत का फ्लैग लगाया काफ़ी टाइम से अपनी साइकिल पर, आगे तो था पीछे नहीं था, तो हमने लगाया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये फ्लैग। और पहले तो हमारी साइकिल पर आगे आगे था, उसका पीछे भी लगा है एक, और साइकिल रेडी है। और अब यहीं पर हम, होली है तो लोग रंगों में हो रहे हैं, और अब हम भी खाना खाएंगे और फिर थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद अपनी यात्रा को लेके चलेंगे फिर बाड़मेर की तरफ। और हमारे विवेक भाई बैठे हैं आराम से, और यहाँ पे थोड़ा आराम करने की भी जगह है और थोड़ा अलग से एरिया बनाया हुआ है ये, इधर हम आराम कर सकते हैं चार पाई पे। और जैसे ही थोड़ा ठंडा मौसम होगा तो फिर वापस अपन चल पड़ेंगे यहाँ से। ये वीडियो चल रहा है भाई जी, कहाँ से हैं आप? बांदीवास से, राजस्थान में ही? राजस्थान। अच्छा अच्छा, ये इसमें ये वीडियो चल रहा है? नहीं नहीं, आप बताओ चैनल का नाम। अभी बताते हैं। तो दोस्तों खाना खाते हैं फिर थोड़ा आराम करके निकलेंगे बाड़मेर की तरफ। तो जब तक के लिए हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों अपना बाड़मेर का ही, बाड़मेर का जो अपना खाना होता है मारवाड़ी खाना, जो बाजरे की रोटी और मतलब की मिर्चा और टमाटर प्याज की सब्जी, किसकी भाई? सब्जी मिक्स सब्जी है और साथ में दही है, और खुद की खेती की मतलब कि जो खेती घर पे करते हैं उसी का ही खाना है सारा। और ये अमूल का घी मिलेगा भाई, जो कि 20 रुपये का है, और साथ में दही मिल रहा है। तो खाना खाते हैं और उसके बाद ये इधर क्या क्या है, दही रायता है और भाई उसके साथ में दाल है। अभी जगह थोड़ी कम है। भाई घी डाल लिया रोटी में, रोटी फोड़ो तुम्हारी विवेक भाई, रोटी फोड़ लो। तो दोस्तों खाते हैं घी और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फाइनली दोस्तों धूप थोड़ी ज़्यादा थी तो सोचा आराम कर लेते थोड़ी देर, बहुत ही अच्छी छाया मिली है और चारपाई मिल गई, और क्या ही चाहिए ऐसे गर्मी के मौसम में।
और बाजरे की रोटी खाने के बाद थोड़ी प्यास ज़्यादा लगती है, पानी वानी बराबर पी रहे हैं और थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद शाम को यहाँ से 3 बजे के आसपास निकलेंगे बाड़मेर के लिए। बाड़मेर यहाँ से शायद 90 से 95 किलोमीटर के आसपास होगा, तो आज तो नहीं पहुँच पाएंगे बाड़मेर, कल हम बाड़मेर पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे 1 या 2 घंटे बाद, तब तक के लिए हर हर महादेव। फाइनली दोस्तों शाम के 3:30 बज चुके हैं और हम अपनी यात्रा पे वापस से कंटिन्यू। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे छोटे छोटे बच्चे जय श्री राम बोल के बहुत मोटिवेट कर रहे हैं और अब हम बाड़मेर से शायद 90 से 95 किलोमीटर पीछे हैं। हो गया, जिस भाई के दोपहर में खाना खाया था उसने पैसे नहीं लिए और अभी वो थे नहीं आपसे, उनको दिखाते पर वो चले गए घर पे। तो ये राजस्थान का प्यार है और ये धोती कुर्ता साहब पर देख के हाँ भाई राजस्थान से है तो भाई कोई पैसे नहीं लिए, तो ऐसे अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है। और गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इधर तो थोड़ा धूप का सामना करना पड़ेगा, धूप भी हमारे फेस के सामने आ रही है। कोई नहीं, चलते हैं और एक नई लोकेशन पे मिलेंगे बाप से। अरे खाना बड़ा अच्छा था भाई, सबसे अच्छा चीज़ तो बाजरी रोटी में घी लगा, सबसे अच्छा खा के है ना मन में बड़ी शांति मिली। और आज कुछ ये कपड़े पहने तीन से थोड़ा मैं बहुत हैप्पी हैप्पी हो रहा हूँ भाई। चलिए दोस्तों जुड़े रहे आप हमारे साथ, आपको अभी राजस्थान स्टार्ट हुआ है और राजस्थान का बहुत कुछ दिखाने वाले भाई साइकिल, हर हर महादेव। तो दोस्तों कुछ इस तरह का व्यूज है राजस्थान का, बसें जा रही है और दोनों साइड हरियाली है हल्की हल्की और रेगिस्तान सा माहौल स्टार्ट हो गया है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और इस नज़ारे को देखने के लिए हम राजस्थान आए हैं, आज तक फोटो रील वीडियो में देखे थे, अब खुद अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। राम राम सा, बेहद ही अच्छा है। जितनी और जैसे जैसे अभी शाम होती जाएगी सूर्य ढलता जाएगा उसके बाद तो राजस्थान और भी प्यारा लगने लग जाता है। तो हम आपको अभी पूरा राजस्थान एक्सप्लोर करवाने वाले हैं, बाड़मेर जैसलमेर जो जिसे बोल सकते हैं, दोहरे वाली सारी आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं, दोरारी धरती है ना। और यहाँ पे थोड़ी पानी की समस्या है ज़्यादा है, इस वजह से टापू बनाए हुए हैं लोगों ने अपने घरों पे, और घर भी बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, बहुत ही बेहद खूबसूरत, वो भी हम आपको दिखाएंगे हमारे वीडियो में। अभी तो आप बस ये सड़कें देखिए और इधर का नज़ारा देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई लोकेशन पे, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं और थोड़ी सी धूप लगी, तो सोचा काफ़ी टाइम बाद ये पेट्रोल पंप आया HP का, तो यहाँ पे पानी वानी पिया है थोड़ा देर और चारपाई थी तो थोड़ा आराम किया है। और अभी भाई जी चाय बना रहे हैं तो चाय वाई पियेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे आराम से, क्योंकि जितना ठंडा होगा राजस्थान में उतना ही अच्छा चला जाएगा। और राजस्थान में गर्मी तो आपको पता है कितनी तेज़ है, शाम को जैसे ही 5, 5:30, 6 के बाद जब मौसम जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी और हमें राइड करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो थोड़ी देर और आराम करते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे आराम से। आपको देखो सामने कितनी अच्छी गाड़ी खड़ी है, थार, वो भी वाइट कलर की, बड़ी बेहद खूबसूरत गाड़ी है ये और ट्रेंडिंग में चलती है आजकल ये गाड़ी। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर चाय का फिर चलते हैं, और हमारे भाई भी बैठ के आराम कर रहे हैं, इनके फॉलोअर भी बढ़वा दो यार, कोई इनके फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, बढ़वाने ना हैं, बढ़ा दो, बढ़ा दो यार, 1 मिलियन करा दो आज, ठीक है शाम तक 1 मिलियन हो जाना चाहिए भाई के, वो मैं देखता हूँ फिर यार, कुछ तो बोल दो भाई, 1 मिलियन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, 2 मिलियन, ओ भाई क्या बात है, चलो भाई 2 मिलियन करवा दो बस। अली भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? दोस्तों राजस्थानी चाय पीने का मजा ही कुछ हो रहा है, देखो कपों में चाय मिलने लगी, गुजरात में प्याली मिलती थी चाय पीने के लिए और यहाँ पे कप चलेंगे अब जो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, और चार पाइप पे बैठ के धोती कुर्ता पहन के चाय पीने का एक अलग ही स्वैग बोल सकते हैं हम, और अभी पियेंगे और फिर भाई जी ने हमें चाय पिलाई है और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राजस्थान के लोगों को भाई
अतिथि देव भव, इज्जत सत्कार बहुत अच्छे से करना था हमारे राजस्थान से, हमने यही सीखा है। तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी चाय पी के चलेंगे आगे की तरफ। दोस्तों ये सब देखने आए थे राजस्थान में, देख रहे हो कितना बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है, सनसेट होने वाला है, और रेगिस्तान के दौरों में सूरज जब डूबता है तो भाई कुछ अलग ही व्यूज आते हैं, और चारों तरफ का कुछ इस तरह का व्यूज है। और ये देखिए, अब देख रहे हैं यार, कमेंट जरूर करके बताएं हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है, और ये व्यूज आपको कैसा लग रहा है, ये हमारा राजस्थान का व्यूज है। और यहाँ देखिए लोग मान सम्मान के लिए हाथ जोड़ते हैं, राम राम सा, राम राम। ये देखिए दोस्तों, रात्रि विश्राम आज बाड़मेर से 50 किलोमीटर पहले, यहाँ खुला गार्डन देख रहे हो सामने, यहाँ पे टेंट लगा के सोएंगे और अपना खाना बनाएंगे, पर खाना बनाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, पहले साइकिल खड़ी कर देते हैं और उसके बाद फिर हम आपको हमारा सारा जो होगा वो दिखाएंगे। ये देखिए अब मिट्टी में साइकिल नहीं चलेगी भाई। ओ भाई चलिए चलिए रानी जी चलिए, क्योंकि दीवार के साथ लगाएंगे इसको, वैसे तो खड़ी होगी नहीं ये, फिर टेंट लगाएंगे अपना और फिर आराम से बना के खाएंगे। दोनों साइकिलों को लॉक कर देंगे साथ में। अभी पहले अपना सामान खोल लेते हैं जरूरत का। ऐसे ही चलेगी भाई। तो दोस्तों साइकिल खड़ी हो गई है, पहले जरूरत का सामान निकाल लेते हैं अपना, और उसके बाद फिर अपने खाने पीने की तैयारी करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम जिस चीज़ का इंतज़ार था और जैसा एक्सपीरियंस लेना चाह रहे थे वो मिल गया, सामने चांद है और इधर हमारा कैंपिंग टेंटर बिल्कुल मतलब कि रेगिस्तान ही समझो, एकदम से बाड़मेर से 50 किलोमीटर दूर है और मिट्टी में लगाए हैं, बालू मिट्टी, यहाँ पे दम दोनों भाइयों के कैंपिंग टेंट लग गए हैं। तो ये भाई साहब यहीं के लोकल हैं, ये हमारा देखने आएंगे कैसे क्या लगा रहे हैं। तो भैया कैसा लग रहा है आपका हमारा घर? तो यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी हो गई है और कैंपिंग टेंट लगाया है, बाकी जो जरूरत का सामान है वो सारा अंदर रख लेंगे। और भैया धोती कुर्ता मैंने निकाल दिया, साफा निकाल दिया, अभी मैं हूँ अपने लोअर टी शर्ट में, क्योंकि खाना बनाएंगे ये लगाएंगे तो उसमें धोती कुर्ता नहीं चलता, धोती कुर्ता सिर्फ ट्रैवलिंग करेंगे तब कि पता रहे कि मैं राजस्थान से हूँ और अपनी संस्कृति को साथ लेके चल रहा हूँ। वैसे मैंने तो टी शर्ट भी राजस्थान की पहनी हुई है, कैंपिंग टेंट भी रेडी है, थोड़ा इंतज़ार करिए और खाने में क्या बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे पूरी डिटेल से, कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसा गैस है, कैसी स्टोव है, हमारे पास सब दिखाने वाले हैं, क्योंकि आजकल लोगों को घूमने का ज़्यादा शौक है। तो एक ही चीज़ बारीकी से देखिए, स्किप मत करिए, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, जुड़े रहे हमारे ब्लॉग्स में। अभी चलते हैं खाने बनाने की तरफ, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों खाना बनने की तैयारी हो चुकी है, और ये देखिए विवेक भैया अभी चावल उबालेंगे, मैं दाल के लिए सब्जी काटूंगा। तो जब बगैर लेट के अपनी सब्जी वब्जी काटने लग जाते हैं, क्योंकि लेट नहीं करना है बिल्कुल भी, ये भूख बहुत तेज लगी है और ये हमारा तेल वेल सब सामान निकल रहा है। तो बस जल्दी से जल्दी अपनी सब्जी निकालते हैं और सब्जी काटेंगे फिर। तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखिए आज हम क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे। तो फाइनली दोस्तों इनमें अपने चावल बन रहे हैं, और दाल के लिए हमने सामग्री काट ली है, टमाटर प्याज हरी मिर्च, और घर के तरीके से बना के खाएंगे, ऐसे नहीं कि बाहर है तो नहीं। और ये पूरा देख लो अपना राशन किट है भाई, इसमें पूरा राशन अपना हल्दी मिर्ची तेल चमचा वमचा सब ले रखा है बढ़िया। और भाई ये अपना स्टोव है छोटा वाला, और उसमें ब्यूटन गैस लगता है, तो कोई भाई ट्रैवलिंग पे जाए तो ज़रूर लेके जाना और बना के खाना। और ये भाई अपना सरसों का तेल यूज करेंगे, कोई रिफाइंड यूज नहीं करेंगे, सरसों का तेल यूज करेंगे। और ये भी हमने अच्छे से अच्छा वाला तेल लिया भाई, कितने रुपये लीटर दिया था ये? 140 रुपये लीटर तेल दिया था भाई, ये जो गुजरात में लिया था। और
कंपनी का साबुन है, ये बर्तन भी धोएंगे और खाएंगे। तो दोस्तों इधर अपना कैंपिंग टेंट लग गया, इंतजार करिए खाना बनने तक, आपको भी खिलाएंगे हम भी खाएंगे, क्योंकि आज है होली और होली के दिन हम बना खा रहे हैं दाल चावल, जो कि हमारे घरों पे खाते हैं भाई। बस ये है कि मीठा नहीं खा पा रहे, बाकी तो हम दाल चावल तो खा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ दाल चावल जरूर खाएं, आप तो अपने घर परिवार के साथ खा रहे होंगे, यहाँ पे हम अकेले खा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जरूर इन्वाइट करें। हर हर महादेव। दोस्तों चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हमारे चावल कुछ स्पेशल है भाई, बहुत ही अच्छे भाव के चावल हैं, बासमती राइस। मच्छर आ गए भाई, मच्छर लाइट के सामने मच्छर आ ही जाते हैं भाई। तो अभी चावल रेडी है, बस दाल पकाएंगे, दाल भी खाएंगे और मच्छरों से हमारे खाने को हम बचाएंगे, तो चलते हैं अभी। तो फाइनली दोस्तों दाल चावल बन चुके हैं, होली का दिन है और दाल चावल का खाना होगा, और एक अभी भाई का यहाँ पे होटल है तो वो हमें सीरा, जिसे हम हलवा बोल सकते हैं, वो मीठा दे रहा है और दही दे रहा है। तो अभी हमारा विवेक भाई लाने गया है और जैसे लेके आएगा तो मीठा भी हो जाएगा, हलवा और दही दाल चावल भी हो जाएंगे, और क्या ही चाहिए। होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी हमारे बाड़मेर के इस धार के रेगिस्तान में। और ये अपना सारा सामान है, इधर साइकिल खड़ी है और इधर अपना दोनों के कैंपिंग टेंट लगे हैं, ये वाला कैंपिंग टेंट मेरा, ये विवेक भाई का है। दाल चावल खा के सो जाएंगे, सुबह अपनी यात्रा को लेके चलेंगे बाड़मेर की तरफ, आपको मिलाने हैं रविंद्र सिंह भाटी जी से मिलाऊंगा, जो कि बहुत ही युवा और लोकप्रिय नेता हैं हमारे पूरे राजस्थान के। तो आप हमारे ब्लॉग्स में बिल्कुल ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा भारत। अभी इंतजार कीजिए खाने का, आने दीजिए विवेक भाई को, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों अपनी होली की स्पेशल थाली तैयार हो चुकी है, दाल चावल खाएंगे और सो जाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारा होली का खाना, आइए आप भी खाइए इस बाड़मेर के रेगिस्तान के थार के रेगिस्तानों में बैठ के, और एक अलग ही है। और ऊपर देखो चंदा मामा की कितनी अच्छी रोशनी आ रही है, और पूरा इधर रेगिस्तान रेगिस्तान टाइप में है भाई, आराम से। ये हमारे विवेक भैया हैं ये, और ये इनकी साइकिल है, मेरी साइकिल है। तो खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं, थोड़ी देर इंतजार करिए।